सबसे पहले शुरुआत करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के बारे में। सो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में हमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन भी 2 से लेकर 2.5% की गिरावट, पिछले 5 दिनों की बात करें 4.5% डाउन, 1 मंथ में 12% डाउन, और अगर आप टॉप लेवल से देखोगे तो टॉप लेवल से गिरावट 16 से 17% तक देखने को मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट की गिरावट। सो इतनी बड़ी गिरावट के पीछे का रीजन क्या, खास करके जो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक में टॉप लेवल से जो एक तरफ हमें गिरावट और गिरावट ही देखने को मिल रहा है, तो इस प्रकार की गिरावट के पीछे का रीजन क्या। तो उस गिरावट के पीछे का रीजन की बात करें तो एक बहुत ही बेसिक रीजन है, जो कि जस्ट एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग, जो कि प्रॉफिट बुक इससे पहले भी हमने काफी बार देखा। और आप इसके सिर्फ 1 साल की ग्राफ को देखोगे तो 1 साल में आज भी नेट नेट 150% की प्रॉफिट है, बट इसी 1 साल के बीच में स्टॉक ने इस प्रकार की गिरावट यहाँ पे और अभी 4 टाइम यहाँ पे दिखा रहा है। मतलब 1 साल के बीच में स्टॉक ने 4 बार इस प्रकार के 15 से लेकर 20% के एक डिसेंट गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक का नेचर ही ऐसा है, एक अच्छी तेजी के बाद एक 15-20% की हल्की गिरावट, फिर एक अच्छी तेजी के बाद अगेन 15-20% की एक डिसेंट गिरावट, अगेन यहाँ पे 4 जून को स्टॉक गिरा था और अगेन स्टॉक अभी यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट दिख रहा है। बट आज भी नेट नेट देखोगे तो स्टॉक जबरदस्त प्रॉफिट के साथ ही है और स्टॉक ऑलमोस्ट टॉप पे है। और ये जो स्टॉक अभी टॉप लेवल 17% गिरा है, ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, ये गिरावट आगे भी आपको, मतलब ये गिरावट आगे आपको और भी कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन है कि स्टॉक का वैल्यूशन, मतलब स्टॉक टॉप से 15-16% गिरने के बाद भी अगर आप इसके वैल्यूशन को देखोगे, इसके वैल्यूशन आपको टॉप पे देखने को मिलेगा। ऐसे नहीं कि स्टॉक टॉप लेवल से बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आज भी स्टॉक एक अपना फेयर वैल्यू पे, एक अपना एक अच्छे खासे हायर वैल्यूशन पे है। तो इसी वैल्यूशन को या फिर इसी तेजी को अगर मेंटेन रखना है तो कंपनी के जो आने वाले Q1 के नंबर आएंगे, जो कि 14 अगस्त को आने वाले इसी मंथ, तो ये नंबर तो बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्टॉक देखा जाए ऑलरेडी एकदम टॉप पे है। और खास करके जो Q4 में इसने जिस प्रकार के धमाकेदार नंबर प्रेजेंट किया था, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं था, ईयरली साथ ही साथ क्वार्टरली, मतलब बहुत ही कमाल नेक्स्ट लेवल के नंबर प्रेजेंट किया था इनकम से लेकर प्रॉफिट तक। तो इस बार के जो नंबर है, हाँ इतना तो कंफर्म है कि कंपनी के Q1 बेसिस पे नंबर बहुत खराब आएंगे, क्योंकि कंपनी के जो सबसे हाईएस्ट नंबर रहता है वो मार्च के क्वार्टर, किसी भी आप कंपनी के मार्च क्वार्टर उठा के देखोगे तो सबसे सबसे बड़ा आपको नंबर देखने को मिलेगा। हर बार ये जो बड़े बड़े नंबर है वो आपको मार्च के क्वार्टर में देखने को मिलेगा, मार्च के बाद जैसे जून के क्वार्टर है वो आपको डाउन देखने को मिलेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज कि कितने डाउन, मार्केट तो पहले से मान के चल रहे हैं कि इस कंपनी के नंबर क्वार्टर में क्वार्टर डाउन ही आएगा, बट कितने डाउन, जितना मार्केट अनुमान लेके चल रहे हैं अगर उतने आगे तो चलो अच्छी बात है, बट जितना मार्केट मान के चल रहे कि स्टॉक ने इतने जबरदस्त प्रॉफिट बना के 5-5 साल में 1300-1400% प्रॉफिट, और जैसे मैंने आपको अर्निंग्स दिखाया कि अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक का वैल्यूएशन अभी टॉप पे है, तो ये 15-16% गिरावट जस्ट एक छोटी सी गिरावट है। तो अगर इस वैल्यूएशन को अगर वो मैच कर नहीं पाए, मान लो एक डिसअपॉइंटिंग नंबर दिखा दे, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग के लिए और भी अच्छे खासे रीजन बन सकता है। और ये स्टॉक कुछ ब्रोकरेज हाउस के मानना है कि कंपनी के नंबर अच्छा है तो स्टॉक में दोबारा आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉक अपने पुराने हाई को ब्रेक करके 6000 के, मतलब 6200 तक भी आपको जाते देखने को मिल सकता है, वो भी शॉर्ट टाइम के अंदर। और सेम वैसा वर्षा नंबर अगर खराब है तो टॉप लेवल से अभी ये 17% गिरा है, तो नंबर खराब आया तो 4000 के नीचे, बहुत खराब आया तो मिनिमम 4000 के नीचे 3500 तक भी ये जा सकता है, डिपेंड करते हैं कि 14 अगस्त को कंपनी के नंबर किस प्रकार के आते हैं। बाकी कंपनी अच्छे, बहुत दमदार कंपनी है, तो किसी के पास अगर गिरावट होता भी है नंबर के बाद, तो वो गिरावट आपके लिए अच्छे खासा मौका भी साबित हो सकता है। आप उस गिरावट का चाहो तो लॉन्ग टर्म हिसाब से मौके का फायदा उठा के भी आप चल सकते हो। बाकी अच्छी कंपनी अब जरूर इसके साथ लंबी अवधि के लिए बने रह सकते। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो BSE लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो लगभग 3% की गिरावट, और पिछले 2 दिनों में स्टॉक में जो हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिला था, और आज के दिन फिर से स्टॉक में हमें एक अच्छे खासे गिरावट देखने को मिला। और अभी इन स्टॉक का जो मोमेंटम है, एक कंसोलिडेशन वाले हमें मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं, जो कि अगर आप इसके 1 साल की ग्राफ को देखोगे तो 1 साल में नेट ने 206% की तेजी, जो कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 से लेकर 2.5 मंथ की तेजी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये स्टॉक इस लेवल से अराउंड 8 से 9 मंथ से स्टॉक इसी रेंज में अपने आप को वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, और अभी भी देखा जाए स्टॉक का जो मोमेंटम है वो हमें कंसोलिडेशन वाले देखने को मिले, ना ज्यादा अपसाइड वाले मोमेंटम है ना ज्यादा डाउन साइड वाले इसके मोमेंटम है। और अभी इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम डिसाइड करेंगे कंपनी के आने वाले Q1 के नंबर, जिस प्रकार की कंपनी के नंबर आएंगे उसी प्रकार के स्टॉक में आपको मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। नंबर अगर बहुत अच्छा है मार्केट के हिसाब से तो स्टॉक में आपको गजब के बाइंग देखने को मिलेगा, और सेम अगर नंबर डिसअपॉइंटिंग आए तो आज भी बहुत ही कमाल के प्रॉफिट बना के दिया शॉर्ट टाइम हिसाब से भी, तो
यहाँ से ये ब्रेक डाउन होकर एक अच्छे खासे गिरावट भी स्टॉक में आ सकता है, क्योंकि उम्मीद भी किया जा रहा है कि मार्केट टॉप है, तो मार्केट से जुड़ा हुआ जो भी कंपनी है सभी ने अच्छे खासे बिजनेस किया होगा, सभी कंपनी ने अच्छे खासे कमाई की है, तो उम्मीद है कि इस एक्सचेंज वाली कंपनी के नंबर भी इस बार अच्छे आ सकता है। जो कि इतना तो उम्मीद है कि कंपनी के नंबर याली तो कोई कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि 250 करोड़ के सेल्स थे एक साल पहले, तो उससे बहुत बेहतर आएंगे। बट अगर हम क्वार्टरली बात करें तो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि इसके ऊपर मतलब 600 करोड़ के ऊपर भी कंपनी के इनकम आ सकता है। और उसी के साथ कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 3 क्वार्टर से कंपनी 100 के ऊपर नेट प्रॉफिट दिखाते आ रहे हैं, मतलब एक कंसोलिडेशन में कंपनी की नेट प्रॉफिट है, शायद से इसके ऊपर एक डिसेंट 120-125 के आसपास भी नेट प्रॉफिट ये दिखा सकता है अपने एक्सपेंस को अच्छे खासे कंट्रोल करने के बाद। तो देखते हैं 7 अगस्त नेक्स्ट हफ्ते कंपनी के नंबर आएगा, तो नंबर अगर वाकई अच्छे नंबर दिखा दे तो स्टॉक में गजब के बाइंग भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके पीछे का रीजन है कि अब ये स्टॉक टॉप लेवल से अच्छे खासे डिस्काउंट में, ऐसे नहीं कि पहले कैसा था, स्टॉक टॉप पे था, एक तो हायर वैल्यूएशन पे था, तो स्टॉक जैसे 3250 ऑल टाइम हाई से जो एक तरफा स्टॉक गिरा है, अभी जो है ये स्टॉक एक डिस्काउंट में आ चुका है, तो नंबर अच्छा है तो यहाँ पे जबरदस्त बाइंग आएगा और स्टॉक फिर से आपको इसके जो पुराने लेवल है ये वाले यहाँ तक भी आपको ये जाते देखने को मिल सकते, वो भी एक ही झटके के अंदर। तो डिपेंड करते कंपनी के नंबर कितने कमाल के है, तो स्टॉक फिलहाल तो जो 2500 के इंपॉर्टेंट लेवल है उसी के ऊपर स्टॉक अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और इसी बीच में अगर कंपनी के नंबर आ जाए और कंपनी के नंबर अच्छे हो जाए, मतलब जितना मार्केट मान के चले, जितना मार्केट अनुमान करके चल रहे, अगर उसी हिसाब से नंबर दिखा दे तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक बहुत बड़े स्टॉक में रैली देखने को मिल सकती है, जो रैली शायद से जो ऑल टाइम हाई है 3250 इस लेवल तक भी ये स्टॉक जा सकता है, डिपेंड करता है कंपनी के नंबर किस प्रकार के आते हैं। और सेम वैसा वर्षा अगर कंपनी के नंबर डिसअपॉइंट नहीं, मान लो कंपनी ने इनकम जबरदस्त की बट उसी इनकम को करने के लिए कंपनी खर्चे बहुत ज्यादा कर ली, जिनके चलते कंपनी के एक्सपेंस भी सूट अप हुआ और एक्सपेंस ज्यादा होने के चलते कंपनी के नेट प्रॉफिट डाउन हो गए, तो अगर ऐसा नंबर दिखाते हैं तो डेफिनेटली आज भी स्टॉक ने गजब के प्रॉफिट बना के दिया, तो ये 2500 के लिए बिल्कुल ब्रेक डाउन देखे 2250 यहाँ तक की, यहाँ से 2000 तक भी स्टॉक आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो एंजिलॉन लिमिटेड, अगर हम आज के दिन की बात करें तो 0.34% की तेजी, बट शुरुआत में ये तेजी हमें बहुत अच्छे देखने को मिला था, नियर बाय स्टॉक 2300 के इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक डाउन मतलब ब्रेकआउट दे दिया था, उसके बाद मार्केट में प्रेशर होने के चलते स्टॉक उस तेजी को सस्टेन नहीं कर पाए और टॉप लेवल से हमें एक अच्छे खासे प्रेशर दे। बाकी 5 दिनों की बात करें तो नेट नेट 4% तेजी, यानी 5 दिनों में स्टॉक में मतलब 5 दिनों में से पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छे खासे रिकवरी दिखा, मतलब बहुत ही अच्छे खासे रैली दिखा है। बट आज भी देखा जाए नेट नेट आपको टॉप लेवल से डाउन ही देखने को मिलेगा, जो एक साल वाले हैं उनके पास आज भी अच्छे खासे चॉइस है कि 51% की प्रॉफिट है, बट जिन्होंने यहाँ पे खरीदा होगा 3000 के ऊपर बाय किया होगा उनके लिए तो बहुत ही नेगेटिव परफॉर्मेंस दे रहे, क्योंकि अब ये स्टॉक टॉप से 45% से लेकर 46% तक डाउन है, और इस गिरावट के पीछे का रीजन मैं आपको बताया। सो एंजिलॉन लिमिटेड की बात करें तो फिलहाल तो स्टॉक में जितने गिरावट होना चाहिए था उस हिसाब से मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक ने गिरावट दिखा दी, और स्टॉक में इस गिरावट में और भी तड़का लगा दी कि सेबी के साथ से लगातार जिस प्रकार के नेगेटिव अपडेट आया इस एफएनओ सेगमेंट के ऊपर, मतलब रिपोर्ट के जरिए हो, ऑफिशियली हो, अनऑफिशियली हो, जिनके चलते सबसे ज्यादा कोई स्टॉक गिरा है तो इन्हीं स्टॉक में हमें सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिला। बट फिलहाल शायद से ये जो 2000 के इंपॉर्टेंट लेवल है ये बॉटम बन चुका है ऐसा लग रहा है टेक्निकल के हिसाब से, तो शायद से यहाँ से अभी आपको एक बहुत ही अच्छे खासे बाउंस बैक देखने को मिलता है, और इसी बाउंस बैक में और भी अच्छे खासे तड़का लगा सकता है कि नेक्स्ट हफ्ते, क्योंकि नेक्स्ट हफ्ते कंपनी में एक अच्छे खासे इवेंट आने वाले हैं। कौन से इवेंट? तो कंपनी के जुलाई मंथ के बिजनेस अपडेट। आपको पता है कि कंपनी के जितने भी मंथ रहते हैं हर मंथली 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में इन ब्रोकिंग वाली कंपनी के जो मंथली बिजनेस अपडेट होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं, और उसके चलते इन स्टॉक में हमें बहुत बड़े हलचल भी देखने को मिल जाते हैं। तो स्टॉक तो फिलहाल बॉटम बना के उसी बॉटम से अच्छे खासे रिकवरी दिखा रहे हैं, तो इसी रिकवरी में पिछले अगले हफ्ते अगर कंपनी ने अच्छे बिजनेस अपडेट दिखा दी जुलाई मंथ के तो शायद से यहाँ से हमें एक बहुत बड़े बाउंस पैक देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम कुछ और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो ब्रोकरेज हाउस, तो उनका भी मानना है कि स्टॉक में जितनी गिरावट होना चाहिए था वो बहुत इनफ है, मतलब बहुत ज्यादा गिरावट दिखा दी, तो अब ये राइट टाइम है, कंपनी के बिजनेस कोई खत्म नहीं हुआ, ये सभी ब्रोकिंग कंपनी के लिए हमें बराबर इशू देखने को मिल रहे हैं, तो अगर आप चाहो तो इस टाइम पे ये स्टॉक 40-50% डाउन है तो इस करंट टाइम पे आप जरूर चाहो तो स्टॉक को फेस बाय करके चल सकते हो, और आने वाले टाइम में स्टॉक 3300 तक की भी रैली दिखा सकता है। बाकी एवरेज ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो एनालिस्ट का भी ये मानना है कि ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिरावट दिखा चुका था, और आप चाहो तो इस टाइम पे स्टॉक को फेस बाय करके चल सकते हो, और इसी लेवल से आज के दिन किस लेवल से स्टॉक नियर बाय 50% तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, और स्टॉक 3340 तक की रैली दिखा सकता है जो टारगेट हमने अभी देखा जो मोतीलाल ओसवाल ने दिया था। तो सभी का मानना है कि स्टॉक का फेयर वैल्यू 3000 के ऊपर होना चाहिए, तो
तो इसी टाइम पे स्टॉक को अगर आप चाहो तो फ्रेश बाय करके चल सकते हो। तो अगर आप चाहो, किसी के पास है नहीं और कोई किसी ब्रोकिंग स्टॉक में जाना चाहता है, तो ब्रोकिंग स्टॉक में देखा जाए लिस्टिंग के हिसाब से कोई अगर बेस्ट कंपनी है वो दोस्तों एंजिनो लिमिटेड। तो किसी को जाना ही है तो इतने बड़े डिस्काउंट आपको दे रहा है, जो डिस्काउंट यहाँ पे दिया था या इससे पहले भी दे, बट अभी इस बार की जो गिरावट है थोड़ी सी सीरियस है, क्योंकि इस बार की गिरावट के पीछे कंपनी के बिजनेस में इंपैक्ट हुआ है। बट ऐसे नहीं कि ये कोई मतलब कंपनी के बिजनेस को पूरी कंपनी को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम लग सकता है, बट धीमे धीमे ये चीज़ें को कंपनी हजम कर लेंगे और किसी न किसी साइड से वो अपने रास्ता निकाल लेंगे, चाहे अपना वो प्लेटफॉर्म फी को इंक्रीज कर दे, किसी भी हाल में तो जो कंपनी के अर्निंग्स है उसी को वो आगे भी आपको मेंटेन रखते देखने को मिल सकते, जिनके चलते स्टॉक प्राइस में भी आपको धीरे धीरे कम बैक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो चाहो तो इस टाइम पे 50% मतलब 45-50% के डिस्काउंट में इस टाइम पे चाहो तो स्टॉक को आप मतलब चाहो तो आप स्टॉक को फेज़ बाइंग करने के बारे में भी कंसिडर कर सकते हो। कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है और लॉन्ग टाइम में कंपनी सिर्फ कम बैक ही नहीं, आगे भी ये कंपनी आपको अच्छी करते देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे एक और एक रीजन है जो कि देख सकते हो कि हमारे जो अभी टोटल जो मार्केट में डीमैट अकाउंट है टोटल 16 करोड़ मतलब 16.2 करोड़ के आसपास। तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन है 150 करोड़ की आबादी वाले देश है, क्या उसमें ये 16 करोड़ यहाँ तक के लोग इनफ है? तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब यहाँ तक डीमैट अकाउंट इनफ है तो बिल्कुल भी नहीं। आने वाले टाइम में 16 करोड़ का 20 करोड़ होने वाला है, 25-30-40-50-60-70-80 करोड़ तक भी आपको जाते देखने को मिल सकता है। तो जिनके चलते ये ब्रोकिंग वाली कंपनी दोस्तों आगे भी आपको अच्छे करते देखने को मिल जाएगा। और आपको ऐसा लगता है कि आगे मार्केट में और भी पार्टिसिपेंट आने वाले हैं और ये जो एफएनओ सेगमेंट है, ये जो बाकी लोग धीमे धीमे 16 करोड़ से जो 20 करोड़ तक आएंगे, 25 करोड़ तक आएंगे, 30 करोड़ तक जाएंगे, इसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे जो कि एफएनओ में अपना ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग नई शुरुआत करेंगे, तो ये ब्रोकिंग वाली कंपनी आगे बिजनेस अच्छे करने वाले हैं। तो बस इतने कहते हैं कंपनी कोई बर्बाद हुआ नहीं, ना ही कंपनी कोई खत्म हुआ है, ये एक शॉर्ट टाइम का एक बहुत बड़े नेगेटिव रिएक्शन है जो कि हर किसी को इससे गुजरना पड़ेगा। जो इस चीज़ को समझ के पेशेंस देख के होल्ड कर लेंगे तो लॉन्ग टर्म में कंपनी डेफिनेटली आपको कमबैक करते देखने को मिल सकता है।